हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 15। सो लेट गेट स्टार्ट। लास्ट सीन में हमने देखा था कि जो सुजीन है उसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी होती है। इस बात को बहुत बड़ी चोट बनाकर शेयर को अपने पास बुलाता है। शेयर वहाँ पे आ भी जाती है, लेकिन उसे टेस्ट करने के लिए उसकी चोट को बहुत ज़ोर से मोड़ देती है और उससे पूछती है कि क्या वो बेटर फील कर रहा है। जिस पर सुजीन उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम तो इतनी ज़्यादा अच्छी हो और तुम्हारे सिर्फ टेस्ट करने से ही मेरा दर्द जो है वो चला गया। मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें भी मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र है। और ये सारी बकवास सुन के जो शेयर है वो यहाँ से चली जाती है। और सुजीन जो है उसके जाने के बाद अपने पैर को पकड़ के रोने बैठ जाता है। जिसके बाद हमें जियानिंग को दिखाया जाता है जो बार बार शाशा के रूम के बाहर अंदर बाहर कर रहा होता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन वो फिर से वापस आता है और तभी जो शाशा है वो डोर ओपन कर देती है और उससे कहती है कि क्या काम है तुम्हें। जिस पर वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और जो शाशा है वो कहती है तो बताओ। जियानिंग जो है वो उसके सामने कोई फालतू की बात कर रहा होता है और कहता है कि माउंटेन पे चले। जिससे तो शाशा गुस्से में आके डोर ही बंद कर देती है। और हमें वापस से सुजीन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारा उस फूड प्रिपेयर कर रहा होता है। और उसके सामने दो सर्वेंट आते हैं जिनसे वो शेर को बुलाने के लिए कहता है और वेट कर रहा होता है उसका कि वो कब आएगी। जिसके बाद वो शेर से सॉरी कहने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहाँ पे अचानक से शेर आ जाती है। उन्होंने साथ में जो नकली कपल बनते टाइम ब्रेसलेट दिया था वो उसे वापस करने जाती है और कहती है कि हम दोनों का रिलेशनशिप जो है वो पहले से ही झूठ था और वो पूरा ही खत्म हो गया है। लेकिन जो सुजीन है वो उसको गले लगा लेता है और कहता है कि पहले ये सब झूठ था, लेकिन अब तो मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और उससे सॉरी भी कहता है, जिस पर फाइनली जो शेयर है वो मान जाती है। और ये सब दोनों साथ में काफ़ी अच्छे से बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें जैनिंग को दिखाया जाता है जो कि शाशा की पेंटिंग में प्रिंसेस ने टी गिरा दी थी, उसको साफ़ करके उसकी पेंटिंग को क्लियर कर रहा होता है। और उस पेंटिंग को क्लियर करने के बाद वो उसके बारे में सोच रहा होता है और शाशा की पेंटिंग को अपने ही पिलो के नीचे रख लेता है। और हमें यहाँ सुजीन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वाला सारा कुछ सजा वजा के शेयर को प्रपोज करने का प्लान कर रहा होता है। और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है शाशा और जैनिंग को आते हुए। और तभी हमें शेयर को दिखाया जाता है जो सुजीन के पास आ रही होती है, लेकिन तभी उसे रोस्टेड चिकन की खुशबू आने लग जाती है और वो वहीं से गायब हो जाती है। जिसे देख के तो सुजीन हैरान हो जाता है और उसे अपने पास बुला रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है, इसलिए वो भी उसके पीछे चला जाता है। और उन दोनों के यहाँ से जाने के बाद अचानक से यहाँ पे शाशा और जैनिंग दोनों आ जाते हैं। और इतना अच्छा सजा हुआ रोमांटिक माहौल टाइप का देखकर जो जैनिंग है वो शाशा से सॉरी कहता है। एंड फिलहाल के लिए शाशा भी उसको देख के स्माइल कर रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से प्रिंसेस आ जाती है, वो भी जैनिंग से मिलने के लिए, और काफ़ी सारी गर्ल्स के लिए गिफ्ट लेके आई होती है। जहाँ पे सभी लड़कियाँ जो है वो गिफ्ट देख के काफ़ी खुश होती है, लेकिन शाशा जो है वो प्रिंसेस को देख के बिल्कुल खुश नहीं होती। एंड उसके पास शेयर भी आती है जो उसी को देख रही होती है। एंड यहाँ पे प्रिंसेस और शाशा के बीच में फिर से फालतूगिरी वाली बातें होने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पे सुजीन आ जाता है जो कि उसे फूड वगैरह के लिए बता रहा होता है कि मैंने बहुत अच्छे डिश प्रिपेयर किया है खासकर प्रिंसेस के लिए। और ये सुनने के बाद जो शेयर है वो यहाँ से लेके चली जाती है सुजीन को। एंड सब लोग जो है वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया। एंड यहाँ पे शेयर जो है वो सुजीन को लाके बहुत ज़्यादा धमका रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें आके इतनी ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। एंड जो सुजीन है उसी ने प्रिंसेस को स्पेशली थैंक्स कहने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो उसके डांसिंग में और उसके सिंगिंग में इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। जिस बात पर शेयर उसे काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पे शाशा को और जैनिंग का रिलेशन थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं सोच रही थी कि वो दोनों आज साथ में डिनर करें, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। जिस बात को फिर बाद में सुजीन भी समझ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमें डिनर टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पर शाशा और प्रिंसेस दोनों एक ही डिश को ले रही होती हैं। एंड उन दोनों को इस तरह करते हुए देखकर ऑकवर्ड सा माहौल हो जाता है और वो कहती है कि आप खुद ले लीजिए। और इस सीन से ऐसा दिखाया गया है कि जो शाशा और प्रिंसेस है दोनों की पसंद एक ही है, वो भी जैनिंग जो है वो उन दोनों को ही देख रहा होता है। एंड बाहर से सुजीन और जो शेर है वो मौका देख रहे होते हैं कि कब उनके पास जाएंगे। एंड ये तीनों साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जो शाशा है वो प्रिंसेस से कहती है कि जैनिंग ने तुम्हारे लिए ये थैंक यू बैंक्वेट को ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि वो तुम्हें थैंक्स कह सके कि तुमने इतनी सारी प्रैक्टिस में हेल्प किया है। इस बात से तो जैनिंग खुद शौक होता है कि मैंने ये कब किया। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से सुजीन और शेयर आ जाते हैं, वो भी शाशा के लिए एक फेवरेट सा फूड लेकर। एंड वो बताते हैं कि ये प्रिंसेस के लिए स्पेशली बनाया है, लेकिन जो शेयर है वो कहती है कि लेकिन ये शाशा का फेवरेट है। जब भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है तो वो इस केक को खाती है, जिस पे सुजीन उसे कह रहा होता है कि ये सब बताना नहीं था, बल्कि ये इन दोनों ने प्लान कर रखा था कि हम जाके ऐसा ऐसा बोलने वाले हैं। जिस बात को प्रिंसेस भी आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझने लग जाती है। उनका बैंक्वेट खत्म होता है, उसके बाद जो जियानिंग है वो प्रिंसेस को छोड़ने के लिए बाहर तक जाता है। एंड दूर से शेयर और शाशा उन्हें देख रही होती हैं। एंड उन दोनों को साथ में देख के जो शाशा है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो शाशा है वो अपने रूम में होती है और उसे मिलने के लिए जैनिंग आता है, वो भी कुछ केक वगैरह लेकर।
यहाँ पे दोनों साथ में बैठ के खा रहे होते हैं। जिसके बाद हमें जैनिंग के अराइवल शाओजन को दिखाया जाता है, जो कि प्रिंसेस को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि वो एम्परर के कहने पर तुम्हें पर्पल कलर के बैम्बू स्टॉक्स दिलाने को तैयार हो सकता है, लेकिन उसके बदले में उसे जैनिंग को छोड़कर उसके लिए म्यूजिक प्ले करना पड़ेगा। जिसके बारे में प्रिंसेस को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जो जैनिंग है वो प्रिंसेस से कह रहा होता है कि उसे बस अपनी टीचिंग वर्शिप को परफेक्ट इंसान पर यूज़ करना चाहिए। जिस पर प्रिंसेस भी उसे अपनी बातों में काफ़ी अच्छे से फंसा लेती है और उससे कहती है कि डांस करने के लिए बहुत सारे पर्सन की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको एक और पर्सन की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और एक तरह से शायद वो उसे ना ही कर देती है, जिसके बाद वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है एंड गली में भी अपना गुस्सा दिखा रहा होता है जैनिंग के ऊपर। एंड वो यहाँ पे शायद प्रिंसेस को भी सबक सिखाने की बात कर रहे होते हैं एंड उसके फादर के बारे में बोल रहे होते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक पर्सन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है ताइचिंग टेम्पल के नाम से। जिसके बाद हमें वैंग को दिखाया जाता है जो उसी स्टोरेज रूम में आता है और उस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें जैनिंग के सभी पेपर्स की वगैरह के बारे में लिखा हुआ था, जिसे कुछ टाइम पहले यानी कि पिछले एपिसोड में सूजन के फादर ने आके चेक किया था और एक पेपर अपने पास रख लिया था। एंड उस बॉक्स को ओपन देखकर हल्का सा वो ओपन होता है और सारे पेपर इधर से उधर होते हैं, इस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि इसको पहले से ही किसी ने छेड़ा है, क्योंकि उन्होंने रन किंग का नाम फर्स्ट नंबर पर रखा था। इसलिए उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ कोई और है जो कि उसको हार्म करना चाहता है, यानी कि जैनिंग को। इसके बाद वो बाहर आता है और एक गार्ड से पूछता है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले ड्यूटी पे कौन था, जिस पे बताता है वो गार्ड वो खुद ही था। और उस गार्ड से वो पूछता है कि क्या उसने यहाँ पे किसी और पर्सन को देखा था जो इस रूम में आया, जिस पे गार्ड मना कर देता है। हमें यहाँ जैनिंग को दिखाया जाता है जो सभी लड़कियों के साथ प्रैक्टिस को देख रहा था, लेकिन अचानक से ये वाली जो लड़की है इसका नाम मुझे अभी भी याद नहीं आया, ये गिरने लग जाती है क्योंकि ये काफ़ी दिनों से एक ही चीज़ की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। और अचानक से इनके जो डांस स्टेप है उसमें बहुत सारे डांस स्टेप ऐड हो गए हैं और उन्हें प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद जैनिंग को दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में एक बुक को ढूंढ रहा होता है, अचानक से सूजन आगे उसके पीछे खड़ा हो जाता है। ये दोनों अपने उस दिन के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे सूजन ने बड़ी ही मेहनत से बहुत सारा रोमांटिक सा माहौल बनाया था और इस बात का फ़ायदा जैनिंग ने उठा लिया था। एंड इसी बात पे सूजन उसे काफ़ी ज़्यादा बोल रहा होता है, जिस पे जैनिंग कहता है कि आखिर तुमने इतना ज़्यादा रोमांटिक सा माहौल बनाकर तुम वहाँ पे शेयर को बुलाने वाले थे, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, इसलिए तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं और यहाँ से जाओ। उसके बाद हमें शासक को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप पे आके काफ़ी सारी मेडिसिन को ट्राई कर रही होती है, मेडिसिन है या सूप वगैरह को ट्राई कर रही होती है, उन सभी मेडिसिन के बारे में लिख रही होती है, जिस पे उसकी सर्वेंट उसे मना भी करती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है आपकी बॉडी के हिसाब से, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पे शासक कहती है कि मुझे इन मेडिसिन के बारे में पता करना होगा ताकि वो सभी लड़कियों की हेल्प कर सकें। एंड यहाँ पे हमें वी को दिखाया जाता है जो जैनिंग के पास आता है और उसे बताता है कि उसके पास रखे हुए उसकी लड़कियों में मतलब उसके टीम में जितनी भी लड़कियां हैं उसके जो नाम वगैरह थे और उनकी डिटेल्स वगैरह थी वो आके किसी ने चेक की है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे किसी न किसी राइवल का काम होगा या फिर ऐसा कोई पर्सन जो तुम्हें हार्म करना चाहता है और इसीलिए तुम्हें अपने कॉम्पिटिशन और अपनी प्रैक्टिस वगैरह में और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। उस पर्सन के बारे में अभी पता नहीं चला कि वो है कौन, लेकिन वो जो भी है चल जाएगा, बस उसके बारे में पता करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। मैं बस यहाँ पे इसलिए आया था ताकि तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूँ, ताकि तुम और ज़्यादा केयरफुल हो जाओ। जिसके बाद हमें सूजन और शेर को दिखाया जाता है जो कि सूजन के घर पे होते हैं, बहुत सारा टेबल पे खाना रखा होता है जिसे देख के शेर के मुंह में पानी आ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी मदर आ जाती है सूजन की मदर जो है वो अपने चेहरे पे स्माइल लगा के काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है। एंड सूजन जो है वो अपनी मदर को एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट देता है, वो भी सोने का, क्योंकि आज उसकी मदर का बर्थडे है। वो साथ में शेर के साथ रहने की परमिशन मांग रहा होता है, जिस पे उसके डैड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसकी मदर जो है वो फिर से कि जो सूजन है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, रॉयल है, एंड जो शेर है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब टाइप की लड़की है, इस बात के ऊपर भाषण देने लगती हैं, जिसे सुनकर शेर को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो बिल्कुल ही मना कर देती है कि शेर जैसी लड़की जो है वो हमारे साथ नहीं रह सकती है, वैसे भी पता नहीं उसको क्या इंटेंशन है कि उसने तुम्हारे जैसे अमीर लड़के को देखा, उसका स्टेटस बिल्कुल भी हमारे स्टेटस से मैच नहीं करता। जिस बात पे सूजन जो है वो अपनी मॉम को काफ़ी ज़्यादा बोलने लग जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे शेर के साथ ही रहना है, वैसे भी मैं उससे प्यार करता हूँ और आपने मेरी इंगेजमेंट जिसके साथ भी की थी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं उससे शादी कभी नहीं करूँगा। इस पे उसके फादर भी उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो अपनी मदर से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है उसके फादर से भी ज़्यादा, घर में शायद उनकी मदर की चलती रहती है। और इसीलिए गुस्से में आके जो सूजन है वो कहता है कि मुझे आपके घर की या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ शेर को लेके। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ पे जो सूजन की मदर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं। यहाँ पे बेचारा सूजन अकेला बैठकर सोच रहा होता है अपनी फैमिली वगैरह के बारे में, तभी उसके पास शेर आती है उसके लिए कुछ फूड वगैरह लेके, एंड जो
शियर है, उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि सुजिन ने उसकी वजह से अपनी फैमिली से लड़ाई की। लेकिन जो सुजिन है वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए स्टैंड लिया है, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरा यकीन करो मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मेरी लाइफ में तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हो, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स से भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा सिर्फ मुझे कंट्रोल करते रहते हैं और मेरी कभी भी कोई बात नहीं सुनते। इसीलिए चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा खुशी मिलती है। वो ऐसे ही एक दूसरे से बात करते करते इमोशनल बात करते करते थोड़े रोमांटिक होते हैं। एंड पूरी सीरीज में शायद फर्स्ट टाइम है ये कि इन दोनों का किस होता है। जिसके बाद हमें सासा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारी मेडिसिन ट्राई करके वापस से चिनयांग हॉल जा रही होती है, लेकिन उसे काफ़ी अजीब सा लग रहा होता है। और तभी जो सासा है उससे एक पर्सन टकरा जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ और रूड टाइप का होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा बोल रहा होता है कि तुम्हारी आँखें हैं या फिर बटन कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जिस पर सासा की सर्वेंट बोलती है कि धक्का तो तुमने मारा था, जिस पर वो पर्सन कहता है एक तो ठीक है तुम्हें पैसे चाहिए और उसे पैसे देके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो तभी सासा है वो अचानक से बेहोश हो जाती है और अचानक से पता नहीं जिनयांग आ जाता है जो उसे लेके घर आता है। एंड सासा को ऐसे बेहोश देखकर सभी लड़कियाँ काफ़ी परेशान हो जाती हैं। सासा को देखने के लिए एक डॉक्टर आता है जो उसे बताता है कि इसने बहुत सारी मेडिसिन को यूज़ किया है जिस वजह से इसकी स्टोमक जो है वो इतने सारे मेडिसिन को सह नहीं पाया और उसका रिएक्शन हो गया, लेकिन थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगी क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो डॉक्टर है वह यहाँ से चला जाता है और जिनयांग जो है वो सासा की सर्वेंट से पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, जिस पर उसकी सर्वेंट बताती है कि उसने प्रैक्टिकली सारे मेडिसिन को खुद पी के देखा था ताकि वो सभी लड़कियों को हेल्प कर सके ताकि वो डांस प्रैक्टिस करते टाइम जल्दी ही ना थक जाएं। जिस बात से सभी लड़कियां काफ़ी खुश होती है और कहती है कि जिनयांग तुम यहीं आप यहीं पर रहो क्योंकि वो जिनयांग का ही रूम होता है, बाकी सारी लड़कियाँ यहाँ से चली जाती हैं। एंड जिनयांग जो है वो सासा को देख रहा होता है कि वो किस तरह मेहनत कर रही है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने अपने ही पिलो के नीचे सासा की पिक्चर लगा रखी पिक्चर रख रखी है। इस वजह से वो उसे लेने जाता है एंड उसका फेस सासा के फेस के बिल्कुल करीब आता है और अचानक से सासा को भी होश आ जाता है और दोनों एक दूसरे को इस तरह देख के काफ़ी ऑकवर्ड फील हो जाते हैं। जिसके बाद सासा कहती है कि क्या मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे क्या हुआ था। लेकिन जो जिनयांग है वो बताता है कि तुमने बहुत सारी मेडिसिन ले ली थी इस वजह से तुम्हारी बॉडी उसको सह नहीं पाई और यहाँ पे सभी लोग परेशान हो गए थे। जिस पे सासा कहती है सभी लोग मतलब सभी लोगों को पता चल गया और कहती है कि ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। जिनयांग भी उसे थोड़ा बहुत चिढ़ा रहा होता है लिटिल फॉक्स कह के, लेकिन सासा जो है वो पिलो के नीचे से तभी अपनी पेंटिंग निकालती है और कहती है कि जिनयांग जो है वो किसी को एडमायर करता है वो भी काफ़ी ज़्यादा। जिस पे तो जिनयांग खड़ा ही हो जाता है और कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और सासा कहती है कि जिनयांग तुम हमेशा सिर्फ मुझे ही एडमायर करते हो, मुझे पता है। जिस बात से जो जिनयांग है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाता है, जिसके बाद वो तामसी के बारे में बात करने लग जाते हैं और किसी की आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। एंड वो आइडेंटिटी वाला कोई और नहीं बल्कि वो वाइट ड्रेस वाला पर्सन होगा जिससे तामसी मिलने गई थी। जिसके बाद हमें यहाँ पे सुजिन के फादर को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है एंड वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आसमान मुझसे कितना ज़्यादा दूर है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हैप्पी पर्सन आज के बाद हैप्पी नहीं रहेगा, बस उस दिन का इंतज़ार है। एंड वो जाय के टीचिंग वर्शिप को क्लोज करने की बात कर रहा होता है और आई थिंक ये जाय शायद जिनयांग होगा। एंड उसके इसी ईवल से प्लान के साथ हमारा आज का एपिसोड भी हो जाता है ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।